और ये कितनी गहरे सर उठे सर उठे कह दो मंडी लगी भैंसा ने की कह दो वो भैंसे राधे राधे राधे। तो अभी हम लोग श्री धाम बरसाना राधा रानी के मंदिर में और काफी ऊंचाई पर हैं। अब देखिए नीचे ये पूरा बरसाना यहाँ से दिख रहा है। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और आज हमारा है दूसरा दिन वृंदावन में और ये बैठे हैं हमारे बेटू सेठ, ये हमारे कपिल दुबे जी और ये नन्ना जो कि खा रहे हैं सिटोरा और नमकीन। तो ये सुबह का ब्रेकफास्ट हम लोगों का हो गया और आशीष भैया नहा रहे हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं बरसाना और रात में ही हम लोगों ने गोवर्धन की परिक्रमा पूरी कर ली थी जो कि हमने आपको पुरानी जो नेक्स्ट वीडियो थी पिछली वाली उसमें दिखा दिया है। और आज जाएंगे बरसाना और इसके बाद सीधा वहीं से मथुरा जाएंगे और मथुरा से सीधा जाएंगे घर। तो बने रहिए वीडियो में और वीडियो लास्ट तक देखें। तो गाइस, अब कर रहे हैं हम लोग सुबह का नाश्ता कचौड़ी के साथ। ये कचौड़ी नाम है कचौड़ी खाते हुए और अपने सेठ जी सेठों में सेठ कालू सेठ से बड़ा लग जाते हैं। तो कहीं सब यहाँ से सीधा निकलेंगे बरसाना के लिए और बरसाना से सीधा मथुरा। और अभी समय हो चुका है करीब 9 बज गए हैं सुबह के। मौसम बहुत अच्छा है, बहुत ठंडक है आज। कचौड़ी का आनंद। तो गाइस, नाश्ता हो चुका है और अब हम लोग जा रहे हैं अपनी गाड़ी में। तो आ गए हैं अब अपनी गाड़ी के पास और नाश्ता हो चुका है हम लोगों का। अब सीधा निकल रहे हैं बरसाना के लिए। आराम से चलो यार, कहाँ है जो लगा बोतल साइड में। तो चलो बोलो राधा रानी की। चलिए अब चलते हैं श्रीधाम बरसाने जी, वृंदावन से तो आई है बरसाने राधा रानी के पास। बोलो राधा रानी की जय। राधे राधे गाइस। तो गाइस, आज का व्लॉग हमारे कर रहे हैं बेटू सोनी जी और इस वक्त हम लोग जा रहे हैं बरसाने धाम। तो बेटू सोनी जी बैठे हैं आगे और नन्ना बैठे हैं पीछे। हमारे साथ हमारे परामर्शक आशीष गुप्ता जी हैं, कैमरामैन हमारे नन्ना, फोकस करो, और हमारे कपिल दुबे और छोटू भैया जी हैं। चलो ठीक है, हाँ और बताओ। बहुत ही अच्छा एवं सुहाना मौसम है, हम सभी लोग बहुत ही इंजॉय करते हुए जा रहे हैं श्री राधा रानी जी की कृपा से। और हमारे साथ है हमारे परम मित्र आशीष गुप्ता और बुद्धू भाई। बुरा ही नहीं कह रहे, नहीं कह रहे राधा। उन्हें कितनी गहरे सर उठे सर उठे राजा जी, पाड़े से कह दो मंडी लगी भैंसा ने की कह दो वो भैंसे जे जे बड़े धनंजय ने कह रहे साजी ने वीडियो बना लेते पापा से कह जो बहुत बड़ी मंडी है। जय श्री राधे। और हमारे कपिल भाई के पिताजी श्री नादवे उर्फ पाणे जी के लिए बहुत ही अच्छी यहाँ पे भैंसों की मंडी है। हम सभी उनको यह जानकारी अवश्य फोन के द्वारा उनको सूचित करेंगे कि यहाँ पर श्री धाम बरसाना के पहले 5 किलोमीटर पहले बड़ी अच्छी मंडी है भैंसों की, क्योंकि हमारे जो मित्र हैं कपिल दुबे उनके पिताजी हैं जो
पानी तो भेजी, वो बहुत ही बड़े व्यापारी हैं भैंसों के। नहीं मिले यार। जय श्री राधे राधे राधे। तो गाइस अब हम लोग चल रहे हैं राधा रानी के मंदिर, और ये हम लोगों को लेके जा रहे हैं। जो भी बाइक से चढ़ाई होती है यहाँ पर काफी ऊंचाई है, इसलिए कार को हम लोगों ने अपना पार्किंग पर लगा दिया है और हम लोग बैठे हैं बाइक पर। और आशीष भैया और नन्ना जा रहे हैं आगे, और बेटू सोनी पीछे आ रहे हैं, जो कि इतने भारी वजन के हुए हैं तो अकेले ही बने एक मोटरसाइकिल पे। हम लोग दो लोग बैठे हैं एक मोटरसाइकिल पे, वो अकेले बने हैं। वजन ज़्यादा है, वजन ज़्यादा है उनका, एक क्विंटल 10 किलो है। इस वक्त बरसाने में है, इस वक्त हम लोग बरसाने में श्री राधा रानी के मंदिर के लिए निकल चुके हैं। हम लोग बाइक पर सवार हैं, बाइक की सवारी कर रहे हैं। श्री राधे श्री राधे राधे राधे। कहाँ जा रहे हैं पल्लू? राधा राधे। अब ढलान जो है वो शुरू हो गई है और हम लोग ऊंचाई पर चढ़ते जा रहे हैं। बहुत ऊंचा मंदिर है, राधा रानी मंदिर में और चलते जा रहे हैं ऊंची पहाड़ी चोटियों पर। तो अभी थोड़ी देर पहले हमारे बेटी सोनी जी थोड़े से हाइपर हो गए थे, ये आगे जा रहे हैं, लेकिन इनको समझाया बुझाया गया, इसके बाद ये थोड़े से डाउन हुए, ठंडे हुए, बहुत ज़्यादा गर्म हो गए थे। फिर इसके बाद अब हमारे बेटी सोनी जी थोड़े से हाइपर मोड के हैं, इसलिए इनको थोड़ा सा ठंडा करने के लिए इनके चेहरे पे राधे राधे लिखवाया गया, श्री राधे। क्या हुआ था? तो बेटू सोनी जी क्या हो गया था आपको? क्या हो गया था? बाहर की आके यहाँ पे लूटने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो बेटू भाई हमारे लूटने से बच गए आज। लूटने क्या रहा, बोले मार भी डाला था इसी मामले। तो ले लो इतना, बोलो यार राधा रानी की जय। राधे 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 राधे। तो अभी हम लोग श्रीधाम बरसाना राधा रानी के मंदिर में और काफ़ी ऊंचाई पर हैं। अब देखिए नीचे ये पूरा बरसाना यहाँ से दिख रहा है। और ये है श्री राधा रानी जी का मंदिर, तो यहाँ से पूरा बरसाना दिख रहा है आपको, काफ़ी ऊंचाई पर हैं हम लोग। और ये है राधा रानी जी का मंदिर। तो पिछली बार जब आए थे तो कुछ कारण रहे थे जिससे मैं यहाँ नहीं आ पाया था, लेकिन इस बार मेरी किस्मत है, सौभाग्य है जो मैं यहाँ आया। और ये हमारी राधा रानी जी का मंदिर, काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, और यहाँ से आपको पूरा बरसाना हम दिखा सकते हैं। देखिए पर हमारे कान्हा जी जो कि बांसुरी बहुत सुंदर बजा रहे हैं, राधे राधे।
क्या बात है। तो अब हम लोग जा रहे हैं सीधा मथुरा, और ये बरसाना धाम श्री राधा रानी जी का मंदिर। काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ, लेकिन दर्शन कर आए हैं हम लोग और अब जा रहे हैं सीधा नीचे। काफ़ी ऊंचाई पर है अभी हम लोग, और हमारे सरूटे भाई जो कि प्यासे हैं। तो गाइस आपको कैसे लगे राधा रानी के दर्शन? उम्मीद करता हूँ आपने दर्शन किए होंगे अच्छे से, मैंने पूरा प्रयास किया दिखाने का। और अब जा रहे हैं सीधा नीचे। ले पैसा वापस, पैसा वापस। बेचारे पैसा नहीं, सरमूटे को बैठा दो सारी चीजें। बैगन बहुत ही बढ़िया। राधे राधे भैया। हाँ तो मैं राधा रानी के मंदिर से नीचे उतर रहा हूँ, और भैया पेट्रोल बचा रहे हैं अपना। स्टार्ट है? स्टार्ट नहीं है अभी, स्टार्ट करेंगे गियर में, स्टार्ट करेंगे दूसरे गियर में। तो राधा रानी जी के दर्शन पूरे हो चुके हैं बरसाने धाम में, और अब सीधा प्रस्थान करेंगे हम लोग मथुरा के लिए। मथुरा नहीं, वृंदावन के लिए जा रहे हैं। राधे राधे, फिर से वृंदावन जा रहे हैं। अच्छा क्या बात है, दो दो बार वृंदावन। वैष्णो देवी के दर्शन करना है अभी। अच्छा, दर्शन कहीं किए नहीं है अभी हमने, नहीं करे, नहीं अभी फिर से करने जाएंगे, अभी किए नहीं है। तो अभी फिर से दर्शन करेंगे हम लोग वृंदावन में और माँ वैष्णो माता रानी के। बोलो राधे राधे।